अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू को डिटेल में कंप्लीट किया एंड दैट वाज द एपिथेलियल टिश्यू, जिसका मेन फंक्शन था प्रोटेक्शन. इट वाज लाइनिंग ऑल आर बॉडी सरफेस एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बोथ फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड. आज हम सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. नाउ कनेक्टिव टिश्यू जो है स्टूडेंट्स, ये अगर हम टोटल ऑल फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज को ले, जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है. सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू विच इज़ फाउंड इन एनिमल बॉडी. लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. ये क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू? इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. मोस्ट abundant animal tissue. All right, now the next character. This is also the most widely distributed tissue, widespread tissue है ये. इसका मतलब ये है कि पूरी body में सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो है वो यही tissue है. Students, इस tissue, ये जो tissue है ये हमारी body का total, अगर हम body weight की बात करें, suppose कोई person है जो 70 kgs का है, तो उसका जो 30% weight है body का, वो अकेला सिर्फ connective tissue से बनता है. It is that important. पूरी बॉडी में फैला हुआ है. मैं जैसे ही इसके नाम लूंगी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा. जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर बोन्स आती हैं, कार्टिलेजेस आते हैं, बोन्स आप जानते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हमारे ब्रेन के ऊपर जो स्कल है, खोपड़ी, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. हमारे हैंड्स, लेग्स, बोन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, दैट इज ब्लड. एंड यू नो दैट ब्लड फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ आर ह्यूमन बॉडी. सो इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. सो मोस्ट अबंडेंट तो है और साथ में मोस्ट वाइड स्प्रेड, यानी सबसे ज्यादा फैला हुआ एनिमल टिश्यू है बॉडी के अंदर. मोस्ट वाइड स्प्रेड एनिमल टिश्यू. और ये बॉडी वेट का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है? 30% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो है वो अकेला यही बनाता है. सो लेट अस राइट डाउन द थर्ड पॉइंट दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट. All right. Now let us see what is the main basic function of this tissue. Students, जैसे कि सभी epithelium का main function protection था, but उसके अलावा हमने देखा था कि epithelial tissue जो है वो absorption में भी help कर रहा था, small intestine में, gall bladder में. Then it was also helping in diffusion of substances, जैसा कि हमने देखा था alveoli, जो lung alveoli थे, kidney में Bowman's capsule था. So they were performing other functions as well, but the main function was protection. उसी तरह से connective tissue जो है, इसका जो main function है, वो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, connective, मतलब connection. ये दो टिश्यूज को आपस में जोड़ता है या बाइंड करता है. और जब कोई टिश्यू किसी दो टिश्यूज को या दो ऑर्गन्स को जोड़ेगा, ज्वाइन करेगा, तो वो क्या करेगा? इन दोनों ऑर्गन्स या दोनों टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. सो द मेन फंक्शन इज लिंकिंग और बाइंडिंग. एंड व्हेन इट विल लिंक, ऑटोमेटिकली इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट टिश्यू. जैसा हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू था, वो भी किसके नीचे, किसके ऊपर था? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के ऊपर. तो ये कनेक्टिव टिश्यू इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, एपिथेलियल टिश्यू को. एंड प्लस डेफिनेटली उसे ब्लड सप्लाई तो दे ही रहा था. सो नाउ लेट अस राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू. द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज लिंकिंग और बाइंडिंग, जैसा कि इसका नाम बता रहा है. सो लिंकिंग एंड बाइंडिंग. और जब कोई भी चीजें जोड़ी जाती हैं तो उसे सपोर्ट मिल जाता है, हेंस प्रोवाइडिंग सपोर्ट. जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट
two other tissue and organs. This is the main function. All right, आइए इसको underline कर देते हैं. Linking and binding and hence providing support. ये इसका main function है. लेकिन ये जो connective tissue है ये कई जगह पर modify होगा. हम देखेंगे detail में क्या क्या modifications होंगे और modify होकर ये और भी कई सारे functions करता है. Basic function तो linking का है but और भी functions कर रहा है. जैसे कनेक्टिव टिश्यू से ही हमारा स्केलेटल टिश्यू बनता है यानी बोन्स एंड कार्टिलेज. और बोन्स और कार्टिलेज क्या करती हैं? बोन्स और कार्टिलेज के ऊपर जब मसल्स अटैच होती हैं तब हमारा लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है. तो जो हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे मेनली कौन बना रहा है? कनेक्टिव टिश्यू ही फॉर्म कर रहा है. हालांकि बेसिक फंक्शन सेम है स्टूडेंट्स, बोन भी क्या कर रही है? दो पार्ट्स को जॉइन ही कर रही है, लिंकिंग कर रही है. लेकिन साथ में स्पेशल फंक्शन क्या कर रही है? इट इज हेल्पिंग इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो लेट अस राइट डाउन अदर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अदर फंक्शंस, ए, इट हेल्प्स इन locomotion and movement. It helps in movement and locomotion as skeletal tissue. Hum padhenge, it is a type of connective tissue as skeletal tissue. Isme bones aur cartilage aata hai. आपको ये दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता है? मूवमेंट का और लोकोमोशन का. ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं या एक ही वर्ड है? ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं. मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट. मैंने खड़े खड़े हाथ हिलाया, दिस इज अ मूवमेंट. मैंने खड़े खड़े सर हिलाया, दिस इज अ मूवमेंट. दिस इज नॉट लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब है मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंची. आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड अ लोकोमोशन. अदरवाइज अगर नॉर्मली खड़े खड़े भी हो रहा है देन इट इज अ सिंपल मूवमेंट, इट इज नॉट अ लोकोमोशन. लोकोमोशन विल ऑलवेज इन्वॉल्व अ चेंज इन द पोजीशन. नाउ और क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके, आइए देखते हैं. कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड बनाता है और ब्लड जो है हम जानते हैं हमारे बॉडी में सभी मटेरियल को, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, ऑक्सीजन, CO2, इन सब का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है. सो कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन फॉर्म ऑफ ब्लड. ब्लड के फॉर्म में वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट भी करेगा. सो दिस इज अनदर फंक्शन. और अगर आप बेसिक फंक्शन से इसको रिलेट करें तो वो भी अप्लाई हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज जा रही है, यानी फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस आपस में क्या हो रही है? लिंक हो रही है. सो दिस इज अगेन अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड बाइंडिंग. नाउ लेट अस सी द वन मोर फंक्शन. स्टूडेंट्स, ब्लड जो होता है आप जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, कि ब्लड के अंदर WBC मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं. जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो ये WBC ही उस जर्म को, बैक्टीरिया को, पैथोजन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, खत्म करते हैं. यानी कि कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के रूप में प्लस एक और टिश्यू होता है लिम्फ, उसमें बहुत सारे WBCs होते हैं. तो ब्लड और लिम्फ के फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या उसका डिफेंस भी करता है. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन डिफेंस ऑफ बॉडी. डिफेंस ऑफ बॉडी एज ब्लड जिसमें WBC है एंड लिम्फ. लिम्फ भी एक फ्लूइड है ब्लड की तरह बट इसमें RBC नहीं होते हैं. सो इट इज नॉट रेड इन कलर, इट इज कलरलेस. वी विल रीड दिस इन डिटेल लेटर ऑन. सो दीज आर द थ्री अदर फंक्शंस. नंबर वन, मेन फंक्शन इज लिंकिंग एंड बाइंडिंग एंड हेंस प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. नंबर टू, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एज बोन्स एंड कार्टिलेजेस. नंबर थ्री, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज एज ब्लड. एंड नंबर फोर, डिफेंस ऑफ द बॉडी एज ब्लड एंड लिम्फ. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
व्हाट डू वी मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू, हाउ इट इज फॉर्म्ड. हमने स्टूडेंट्स एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था कि इसके सेल्स बहुत पास पास में अरेंज्ड होते हैं और बीच में जो इंटर सेल्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी लिटिल, क्योंकि उनका काम था प्रोटेक्शन करना, तो उनको बहुत स्ट्रांगली पास पास क्लोजली फिक्स होना चाहिए था. बट कनेक्टिव टिश्यू का काम है बाइंड करना, लिंक करना, तो इसमें सेल्स के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है, सेल्स दो सेल्स के बीच में, यानी इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स और मटेरियल, या कहें एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस, क्योंकि सेल के बाहर वाला सब्सटेंस है ये, वो बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में. जबकि एपिथेलियल टिश्यू में जो दो सेल्स के बीच में मटेरियल था वो बहुत कम था. ये मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इस कनेक्टिव टिश्यू की बेस बनाएगा. सो लेट अस राइट डाउन दैट देयर मेन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. आप इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कह सकते हो और आप इसे इंटर सेल्यूलर भी कह सकते हो. सपोज ये वन सेल है, ये सेकेंड सेल है, या तो ये कहो इन दोनों के बीच वाला, या ये कहिए इस सेल और इस सेल के बाहर, तो भी एक ही बात है. सो मेन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन लार्ज क्वांटिटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको डिफरेंशिएट करता है एपिथेलियल टिश्यू से इन लार्ज क्वांटिटी. वहाँ पे बहुत कम था और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, सब्सटेंस है, जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, वो बहुत सारा है और इसके बीच बीच में कुछ सेल्स पड़े हुए हैं. यानी कि अगर हम एक टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू को ड्रॉ करें, आइए देखें किस तरह से हो सकता है वो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कनेक्टिव टिश्यू बनाना है, तो ये मान लीजिए पूरा सब्सटेंस है और इसमें बीच बीच में सेल्स हैं. वो कौन से सेल्स होंगे हम पढ़ेंगे, कई तरह के सेल्स हो सकते हैं. लेट मी ड्रॉ फ्यू ऑफ देम लाइक दिस. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और इसके अंदर स्कैटर्ड हैं सेल्स, स्कैटर्ड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. ऑलराइट, अब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे बना है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें दो चीजें हैं. एक तो इसका बेस जो सब्सटेंस है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे सपोज एक समुंदर है, तो समुद्र में क्या होगा, एक तो मेन पानी है, तो पानी जो है वो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, जो जेली की तरह है. इट इज नॉट लाइक सी, ये लिक्विड नहीं है, ये जेली जैसा है, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड. ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड शुगर का बना है. आपको याद है हमने पढ़ा था पॉलीसैकेराइड्स में म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो चिपचिपी जेली लाइक शुगर होती है, उसका उस शुगर का इसका बेस बना है, जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं. और इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर बहुत सारी नाव हैं, वो जो नाव हैं, बोट्स हैं, वो तो क्या हो गई, सेल्स हो गए. बट इसमें उस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स भी हैं. आप ऐसा इमेजिन करिए कि जैसे समुद्र में बहुत सारे लकड़ी के, वुड के हमने तख्ते भी छोड़ दिए हैं. सो लेट अस ड्रॉ देम. सपोज ये एक फाइबर है, प्रोटीन फाइबर लाइक दिस. देयर आर मेनी प्रोटीन फाइबर्स. Alright, let us label them. So now this is a protein fiber. और ये जो जगह है, this is the ground substance, जो base बना रहा है. और इन दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं extracellular matrix.
ऑलराइट, यानी एक जेली जैसा सब्सटेंस है म्यूकोपॉलीसैक्राइड का बना हुआ ग्राउंड सब्सटेंस, उसके अंदर बहुत सारे लकड़ी के तख्ते यानी प्रोटीन फाइबर्स हैं। ये तो टोटल मिलाकर हुआ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सेल्स के अंदर नहीं है, सेल्स के बाहर है, और इसके अंदर बीच बीच में सेल्स बिल्कुल बोट्स की तरह, नाव की तरह हैं। ये जो सेल्स हैं दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वी विल जस्ट सी। इस जगह पर स्टूडेंट ये नहीं होगा, है ना, इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं है, ये तो सेल ही है, तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी दैट कनेक्टिव टिश्यू हैज थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स का बना होगा कोई भी कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या होगा? नंबर वन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये दूर दूर है सेल्स और स्कैटर्ड हैं, किसके अंदर पड़े हुए हैं ये? नंबर टू, इन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स किसका बना है? एक तो ग्राउंड सब्सटेंस है और एक इसी ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन के फाइबर्स हैं, प्रोटीन फाइबर्स। ये मिलकर बना रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जबकि ऐसे कोई प्रोटीन फाइबर्स एपिथेलियल टिश्यू में नहीं थे, वहां तो सेल्स के बीच में बहुत कम इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस प्रेजेंट था। सो नाउ वी कैन राइट दैट व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, इन कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट सेल्स आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए पड़े हैं दूर दूर, आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ग्राउंड सब्सटेंस प्लस प्रोटीन फाइबर्स। तो ये हो गई हमारा फाइनल लाइन कि कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल सा मतलब है बहुत सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड ग्राउंड सब्सटेंस का बना है और बहुत सारे उसमें प्रोटीन फाइबर्स पड़े हुए हैं और बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स हैं, ये बनाता है कनेक्टिव टिश्यू। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, ताकि हमें इसकी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो लेट अस राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट डिफरेंस, एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स कैसे हैं? दे आर क्लोजली पैक्ड, सो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, और किसके ऊपर हैं? ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको याद है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ऊपर की लेयर एपिथेलियल टिश्यू से बन रही थी और डाउन वाली लेयर जो थी वो कनेक्टिव टिश्यू बना रहा था, ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो एपिथेलियल सेल्स हैं हैव लिटिल इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो इस मैट्रिक्स में दूर दूर अरेंज्ड हैं और फैले हुए हैं पूरे के पूरे, और कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। सो सेल्स आर डिस्टेंटली प्लेस्ड, डिस्टेंटली प्लेस्ड एंड स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स, एंड देयर इज नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बहुत कम था और यहां पे अबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स,
स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप, इंटरसेल्यूलर बोलिए या एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलिए एक ही बात है, कुल मिला के वो मटेरियल सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर ही है। यहाँ पे लिटिल है, यहाँ पे अबंडेंट है, यहाँ क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे डिस्टेंटली प्लेस्ड है, इधर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कनेक्टिव में नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेट अस सी फ्यू मोर डिफरेंसेस। एपिथेलियल टिश्यू हमें पता है, आप बताइए इसमें ब्लड सप्लाई थी या नहीं थी? नहीं थी। सो दिस वॉज ए वैस्क्यूलर, और हमें पता है कि ये अपनी ब्लड सप्लाई किससे लेता है? कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। सो कनेक्टिव टिश्यू इज वैस्क्यूलर। हालांकि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज जो ए वैस्क्यूलर होता है, तो आइए हम यहीं पर लिख देते हैं एक्सेप्ट कार्टिलेज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जब हम कार्टिलेज पढ़ेंगे तब भी हम इस पॉइंट को लिखेंगे, बट आप इसे अभी लर्न कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है दैट ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर वास्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज। नाउ एपिथेलियल टिश्यू किससे डिराइव होते हैं बताइए? दे आर डिराइव फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों ही इसे फॉर्म कर रही थी, जबकि कनेक्टिव टिश्यू किससे डिराइव था? ओनली फ्रॉम मीसोडर्म। सो ओनली फ्रॉम मीसोडर्म, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हमने एपिथेलियल सेल्स में पढ़ा था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत पास पास हैं, इन्हें प्रोटेक्शन देना है, तो इनमें दो सेल्स के बीच में क्या होना चाहिए था? कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी सेल टू सेल जंक्शंस वर प्रेजेंट, जिनके टाइप्स हमने पढ़े थे, आपको अगर याद हो, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, सो देवर प्रेजेंट, जंक्शंस वर प्रेजेंट, सेल जंक्शंस। जबकि ऐसे कोई जंक्शंस इनमें नहीं होते, क्योंकि इनके सेल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर डिस्टेंटली प्लेस्ड होते हैं। सो वी कैन राइट दैट सेल जंक्शंस एब्सेंट। सो दीज आर द फ्यू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ टिश्यूज। द मेन डिफरेंस इज कि एपिथीलियम को क्योंकि प्रोटेक्शन देना है, सेल्स पास पास हैं और बीच का सब्सटेंस बहुत कम है। कनेक्टिव टिश्यू को क्योंकि बाइंड करना है, लिंक करना है, तो जो मैट्रिक्स है वो बहुत फैला हुआ है और उसके बीच बीच में हमें मिलते हैं बहुत सारे सेल्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, व्हाट इज द ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। सो यू प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल सी ऑल द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल। सो नाउ स्टूडेंट्स let us read about both the components, that is cells and matrix, or matrix ke andar ground substance and protein fibers. To aaiye pehle hum padhte hain about the matrix. Matrix kis kis ka bana hua hai? It is made up of a ground substance प्लस प्रोटीन फाइबर्स, ये दोनों मिलकर मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट अस सी बोथ ऑफ दीज वन बाय वन। तो हम मैट्रिक्स को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, नंबर वन इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जो जेली लाइक है, और नंबर टू हम रीड करेंगे अबाउट द प्रोटीन फाइबर्स, द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में ये अलग अलग होंगे, नंबर टू। ऑलराइट, ग्राउंड सब्सटेंस कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा किसी भी टाइप का सेम रहेगा, प्रोटीन फाइबर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे, कैसे वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है? जेली लाइक है, इट इज नॉट लिक्विड, इट इज जेली लाइक, नंबर वन। किसका बना होता है? ये एक स्पेशल
पॉलीसेक्राइड का बना है जिसे हमने म्यूकोपॉलीसेक्राइड कहा था, जो एक चिपचिपी स्लाइमी शुगर होती है. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड. इसे हमने ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकन शुगर भी कहा था, अगर आपको याद हो. और म्यूकोपॉलीसेक्राइड में भी ये पर्टिकुलरली किसका बना है, हाइल्यूरोनिक एसिड. म्यूकोपॉलीसेक्राइड शुगर बहुत सारी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन कहाँ पर अमीन ग्रुप है, कौन सी शुगर से बना है. ये एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, सो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स. तो जो ग्राउंड सब्सटेंस में सबसे ज्यादा म्यूकोपॉलीसेक्राइड मिलता है वो हाइल्यूरोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो मोस्टली एज हाइल्यूरोनिक एसिड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. या तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड करके ऑप्शन होगा या हाइल्यूरोनिक एसिड करके क्वेश्चन आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द मेन बेस सब्सटेंस. अब इस बेस सब्सटेंस में हमें बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स मिलेंगे और वो प्रोटीन फाइबर्स तीन तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम नाउ. कैसे कैसे हो सकते हैं वो, आइए देखते हैं. प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं ये किसके बने होंगे, ऑब्वियसली प्रोटीन के बने होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटीन फाइबर्स. कुछ प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कोलेजन प्रोटीन के बने हैं. अगर आपको याद हो जब हमने प्रोटीन्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कोलेजन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है और ये मैक्सिमम इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू. तब हमने ये लाइन लिखी थी. तो ये जो कोलेजन प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं, इन्हें कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं. ये वाइट कलर के होते हैं और ये बहुत टफ होते हैं. ये जो प्रोटीन है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है. तो ये उस जगह पर मिलेगा जहाँ पर कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे टफनेस प्रोवाइड करनी है, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर्स आर वाइट, बिकॉज दे आर वाइट इन कलर, टफ, और यू कैन राइट रिजिड, वाइट रिजिड कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर्स दीज आर द दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. कोलेजन फाइबर्स हैं तो किसके बने होंगे, मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन. नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. कलर हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इट विल बी वाइट कलर. और ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी. जहां भी हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, टफनेस की जरूरत है, जैसे एक मसल को बोन से अटैच करने के लिए जो टेंडन लगता है, इट हैज लॉट ऑफ कोलेजन इन इट बिकॉज यू नीड टू स्ट्रेंथन इट. सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी. नाउ ये जो फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्योंकि इन्हें स्ट्रेंथ देना है तो ये हमेशा बंडल्स में मिलते हैं. कोई भी चीज़ आप एक सिंगल लकड़ी लोगे तो वो उतना स्ट्रेंथ नहीं देगी, लेकिन अगर आप इकट्ठा एक बंच ले लेंगे तो इट विल बी मोर रिजिड. सो दे आर ऑलवेज फाउंड इन बंडल्स. लेकिन ये ब्रांच नहीं होते हैं, ये होते सिंगल सिंगल है, अनब्रांच्ड, और मिलते हैं ग्रुप्स में. सो दे आर अनब्रांच्ड. इसको याद रखना, बहुत सिंपल है. ब्रांचिंग होने से क्या होता है, जो स्ट्रेंथ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. हम चाहते हैं स्ट्रेंथ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहे, तो नेचर ने इन्हें कैसा बनाया है, अनब्रांच्ड बनाया है, और ग्रुप्स में मिलते हैं, बंडल्स में. सो दे आर अनब्रांच्ड एंड फाउंड इन बंडल्स. आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक समझिए, उसका लॉजिक हमने देख लिया. बंडल्स में मिलेंगे और ब्रांच्ड नहीं है, ताकि पूरी की पूरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके. इन फाइबर्स को जब बॉईल करते हैं तो ये एक जेलेटिन नाम का चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. सो ऑन बॉइलिंग कन्वर्ट्स इनटू जेलेटिन.
converts into gelatin, and gelatin is a jelly like substance, converts into gelatin. Very important. Now the next question which is asked on this, collagen fibers जो होते हैं ये जो pepsin enzyme होता है वो इसे digest कर सकता है, ये उसकी property है. प्रोटीन है तो कोई ना कोई एंजाइम ही उसे डाइजेस्ट करेगा, और हम जानते हैं कि पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो इस कोलाजन फाइबर को डाइजेस्ट कर लेता है. सो दे आर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम. सो दिस इज अबाउट द टफ फाइबर्स विच विल प्रोवाइड द रिजिडिटी वेर एवर इट इज नेसेसरी. जैसे बोन्स हैं, कार्टिलेज है, यहाँ पे हार्डनेस चाहिए तो भी कोलाजन फाइबर्स मिलते हैं, पर बोन में ज्यादा हार्डनेस चाहिए बजाय कार्टिलेज के, तो बोन्स में कोलाजन फाइबर ज्यादा मिलेंगे. जबकि कार्टिलेज जो है, जहाँ पे सॉफ्ट कार्टिलेज चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हमारा ये कान, ये नोज, यहाँ पे उतनी हार्डनेस नहीं चाहिए, या दो बोन्स को जो ज्वाइन करता है लिगामेंट, वहां पर हमें हार्डनेस की इतनी, रिजिडिटी की इतनी जरूरत नहीं है, वहां पे हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, जैसे एक आपने कोई इलास्टिक है उसको स्ट्रेच किया और जब आपने छोड़ा तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गई. वी वांट इलास्टिसिटी, वी वांट फ्लेक्सिबिलिटी. वहां पर ये इतने नहीं रहेंगे नंबर में, वहां पे दूसरे टाइप के फाइबर्स मिलेंगे, एंड दे आर कॉल्ड येल्लो बिकॉज दे आर येल्लो एंड दे आर फ्लेक्सिबल. Just like an elastic, elastic fibers. So yellow flexible elastic fibers. ये भी protein fibers हैं, ये elastin protein के बने होते हैं. So they are made of elastin protein. और ये क्या provide करेंगे? They provide flexibility and elasticity. They provide flexibility. जहां भी flexibility चाहिए, हम चाहते हैं कि कोई चीज अगर कहीं खिंच रही है और वापस अपनी जगह पे आ जाए, या थोड़ा bending करना है, इसको मोड़ना है तो ये टूटे नहीं, अगर rigid होगी तो टूट जाएगी, it will break. तो वहां पर हमें collagen की जगह elastin के fibers मिलते हैं. Now क्योंकि इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो ये बंडल्स में नहीं मिलते हैं, ये अलग अलग रहते हैं ताकि ये जो है हार्ड नहीं हो. सो दे आर नॉट फाउंड इन बंडल्स, दे आर फाउंड सिंगली, नंबर वन. नंबर टू, अगर किसी चीज़ को इलास्टिक होना है तो उसको ब्रांचिंग देनी पड़ेगी ताकि खूब ब्रांचेज हों, तो आप खींचें तो वो सब एक साथ रिकॉइल कर जाएं. सो दे आर ब्रांच्ड and they are found singly. ठीक उल्टा, opposite. ये unbranched थे, bundles में मिल रहे थे, ये branched हैं but single मिल रहे हैं अकेले. ये जो fibers होते हैं student, ये elastic हैं, ये easily टूटते नहीं हैं, अगर आप इन्हें boil करेंगे they will not dissolve. So on boiling they do not dissolve. जबकि जो collagen था वो gelatin में convert हो रहा था, बट दे विल नॉट डिजॉल्व. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, आप कोई भी केमिकल डालेंगे तो भी ये उस पर रिएक्शन नहीं शो करते हैं. सो दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स. ये प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, तो ऑप्शन होगा कोलाजिन, इलास्टिन, हमारा आंसर इलास्टिन हो जाएगा. ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट ये किससे डाइजेस्ट होंगे, ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से डाइजेस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन. कोलाजिन को पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा था जबकि इन्हें ट्रिप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है. सो दीज आर द टू मेन टाइप ऑफ फाइबर्स जो कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, बट कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही मिलता है, वहाँ पर एक और तरह का फाइबर मिलता है प्रोटीन का, जो रेटिकुलिन प्रोटीन का बना होता है, एंड दे आर कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर्स. सो लेट अस राइट डाउन द थर्ड टाइप, एंड दैट इज द रेटिक्युलर फाइबर्स. ये किसके बने हैं? दे आर मेड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन्स, मेड ऑफ रेटिक्युलिन प्रोटीन.
इनका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मिलते हैं, यानी ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, हम पढ़ेंगे बाद में। तो इनको इनके इनका मेन फंक्शन क्या है, फैगोसिटिज्म, जो भी बैक्टीरिया जर्म आया है उसको एनगल्फ करना, खा जाना। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं और इतनी ब्रांचिंग होने के कारण ये आपस में एक जाल जैसा बना लेते हैं, ताकि इस जाल के दो फंक्शन है, एक तो ये कि इस जाल के थ्रू जो लिम्फ है वो फिल्टर हो सके, और दूसरा ये जो जाल है इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एंट्रैप हो सके, फंस सके। सो लेट अस राइट डाउन दैट दे आर हाईली ब्रांच्ड। इलास्टिन भी ब्रांच थे पर ये तो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, दे आर हाईली ब्रांच्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म डेंस नेटवर्क, ये आपस में उलझ के एक नेटवर्क बना लेते हैं। क्या फंक्शन है इनका स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। Alright, this is the function. और ये कहां मिलते हैं, they are found in lymphoid organs. So present in lymphoid organs. Lymphoid organs like spleen, lymph nodes, etc. They will only be found particularly in this place. मोर सबसे ज़्यादा तो कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, जहाँ इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे कोलेजन कम मिलेंगे, इलास्टिन ज़्यादा मिलेंगे, और रेटिकुलिन पर्टिकुलरली लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट द टू कॉम्पोनेंट्स, दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस एंड द वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। नाउ लेट अस सी द थर्ड कॉम्पोनेंट, इस मैट्रिक्स में जो अलग अलग तरह के सेल्स पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं उसे हम देखते हैं। आप इसको नोट डाउन करें एंड देन वील मूव ऑन टू दैट। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स विच कैन बी प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स of cells in connective tissue. Now there are various kind of cells. हम start करेंगे सबसे पहले first type से, जो maximum होते हैं number में, जो सभी type के connective tissue में मिलते ही मिलते हैं, और second हम they are also the largest ones. So they are called fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट हमेशा फॉर्मिंग सेल्स के लिए यूज होता है, और फाइब्रोब्लास्ट मतलब ये फाइबर्स बनाएंगे। कौन से फाइबर्स बनाएंगे, प्रोटीन फाइबर्स बनाएंगे। सो जो मेन मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे वो यही वाले सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। सो दे आर नंबर वन, मैक्सिमम इन नंबर, ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछते हैं, मैक्सिमम इन नंबर। देन दे आर लार्जेस्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑलराइट। देन नेक्स्ट, दे आर चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, मेन जो मैट्रिक्स है वो यही सेल्स बना रहे हैं। और मैट्रिक्स में भी ये मेनली क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर मेनली मेकिंग द प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैट्रिक्स और प्रोटीन फाइबर्स कौन बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा नंबर में होंगे, सबसे बड़े होंगे। अब ये सेल्स कैसे होते हैं, दे आर लाइक दिस, ओवल शेप के रहते हैं, और इनका न्यूक्लियस भी ऐसा ओवल रहता है, अंडाकार, लाइक दिस। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। सो दे आर ओवल शेप्ड सेल्स विथ ओवल न्यूक्लियस। नाउ
क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर्स बना रहे हैं, यानी प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन जो है वो हमारे सेल के अंदर कौन बनाता है, एक तो राइबोसोम्स बनाते हैं और कौन बनाता है, RER. राइबोसोम्स जब ER पे अटैच हो जाते हैं देन दे फॉर्म द प्रोटीन्स, सो दे विल हैव लॉट ऑफ RER. सो अबंडेंस ऑफ RER. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि इन्हें प्रोटीन फाइबर्स बनाना है तो RER इनमें बहुत ज्यादा मिलती है. सो दीज आर द मेन सेल्स, दे आर द लार्जेस्ट सेल्स, दे आर द मेन मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, ओवल विथ ओवल न्यूक्लियस, एंड दे आर अबंडेंट इन RER. नाउ लेट अस सी द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स. द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स. हिस्टियोसाइट्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्ड्स जो है ये अलग अलग हैं, मैं इसको एक्चुअली ब्रैकेट में लिख देती हूँ. मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को, पैथोजन को, जर्म को एनगल्फ करेंगे, खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, किल करेंगे, यानी प्रोटेक्टिव सेल्स हैं. सो दे आर पैथो, दे आर फैगोसिटिक इन नेचर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर सेल्स, शिकारी सेल्स हैं ये, क्योंकि ये जो पुराने फाइबर्स हैं, पुराने सेल्स हैं, उनको भी एनगल्फ कर लेंगे, प्लस ये जो पैथोजन्स हैं उनको भी एनगल्फ कर लेंगे, और ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये पूरे कनेक्टिव टिश्यू में घूमते रहते हैं. बट अगर कुछ मैक्रोफेजेस एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर वहीं पर रह जाएं, फिर वो दे विल नॉट मूव टू अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड, तब हम उन्हें हिस्टियोसाइट्स कहते हैं. सो व्हाट आर हिस्टियोसाइट्स, एक्चुअली हिस्टियोसाइट्स आर द मैक्रोफेजेस फाउंड इन पर्टिकुलर ऑर्गन, फाउंड इन पर्टिकुलर ऑर्गन, तब हम उन्हें हिस्टियोसाइट्स कहने लगते हैं. कॉमनली वर्ड क्या है, मैक्रोफेजेस. अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे. नाउ so whether we talk of histiocytes or we talk of macrophages, it is one and the same thing, except कि macrophages जो है वो travel करते रहते हैं blood के through from one organ to another, जबकि histiocyte एक particular organ में जाकर वहीं पर रह जाते हैं. so now macrophages जो है ये second maximum in number and second largest, so second maximum and second largest cells हैं connective tissue के. अब ये कैसे होते हैं, दे आर फैगोसाइटिक. फैगोसाइटिक मतलब दे विल एनगल्फ पैथोजेंस एंड जर्म्स, इनको ये किल कर देंगे, पैथोजेंस एंड जर्म्स. तो इसका, इनका मेन काम था मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना, प्रोटीन फाइबर्स, इनका मेन काम है फैगोसाइटिज्म, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड scavenger cells. Direct question aata hai students, which one of the following are the scavenger cells of connective tissue? The answer will be ya to macrophage diya hoga ya histiocyte diya hoga, shikari. Now ये सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये अमीबॉइड शेप के होते हैं, यानी इस तरह से इरेगुलर लाइक दिस, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स वो यू शेप का होता है या किडनी शेप का होता है लाइक दिस. ऑलराइट, सो दे आर अमीबॉइड इन शेप विथ कैसा न्यूक्लियस है इनका, किडनी और बीन. बीन मतलब जैसे राजमा है, चौले हैं, जो बीन्स होती हैं, किडनी और बीन शेप्ड न्यूक्लियस. Now, क्योंकि ये फैगोसिटिज्म कर रहे हैं, ये एनगल्फ कर रहे हैं पैथोजेंस को, तो इनके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल ज्यादा मिलना चाहिए, इनके अंदर बहुत सारे क्या मिलने चाहिए, लाइसोसोम्स. क्योंकि हमने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर में कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि
जर्म्स के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनका जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे. सो इसमें आर ई आर मिल रही थी बहुत सारी, जबकि यहाँ पर मिलेगी अबंडेंस ऑफ लाइसोसोम्स इन देयर साइटोप्लाज्म, अबंडेंस ऑफ लाइसोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन करिए. फिर हम हिस्टियोसाइट्स जो हैं, यानी पर्टिकुलरली किस ऑर्गन में उस मैक्रोफेज को क्या नाम देते हैं, उसकी एक टेबल बनाएंगे जिसपे से बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस राइट डाउन कि अलग अलग ऑर्गन्स में इन मैक्रोफेजेस को जब ये वहाँ पर रुक जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, दे डू नॉट ट्रैवल फर्दर, तब उन्हें क्या नाम देते हैं. So, let us write down. Here we will write the organ. और यहां पर हम लिखेंगे उस हिस्टियोसाइट को क्या कहते हैं. हिस्टियोसाइट. Alright? Now this is very very important. इस पे से डायरेक्ट questions आते हैं. मैं आपको एक example देके बताती हूँ. जैसे first, liver. Liver के जो macrophages हैं, what are they called? They are called Kupffer cells. Kupffer cells. अब question कैसे आता है? Kupffer cells are macrophages of liver, macrophages of spleen, macrophages of brain. या तो ऐसे question आएगा. So they are macrophages of liver. या question आएगा, macrophage of liver is known as Kupffer cells. या question आएगा, Kupffer cells are macrophage of liver. Then fibroblast of liver, pigment cell of liver, इस तरह से. So Kupffer cells are the macrophages of liver. Now, अगर ये lungs में मिल रहे हैं तो इन्हें कहते हैं dust cells वहां पे. So they are the macrophages of lungs. Then next, if they are found in brain, तो ब्रेन में इन्हें कहते हैं, ब्रेन में जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोग्लिया. ऑलराइट. नाउ इफ दे आर फाउंड इन स्किन, स्किन में जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, दे आर कॉल्ड लैंगरहांस सेल, लैंगरहांस सेल्स. अगर ये मिल रहे हैं बोन में, इफ दे आर फाउंड इन बोन, then they are called osteoclast. हम पढ़ेंगे osteoclast. And if they are found in blood, तो हम उन्हें कहते हैं monocytes. They are called, yes, monocytes. We will read about them. और एक और है students, अगर ये thymus gland में मिलेंगे, थाइमस ग्लैंड जो है हम पढ़ेंगे, ये ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. यहाँ पे अगर ये फैगोसाइटिक सेल्स मिल रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड हेसल्स सेल्स. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ मैक्रोफेजेस फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स. इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये लिवर, लंग और ब्रेन, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. So this is the second type of cell in connective tissue, that is the macrophages, which are the phagocytic cells, amoeboid in shape with kidney shaped nucleus and lot of lysosomes. Now let's see the third type of cells. Third type of cells bhi bahut important hai students, and they are called mast cells. मास सेल्स जो होते हैं ये भी अमीबॉइड शेप के हैं, इस तरह से होंगे ये भी. इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप का होता है, और उसमें 2-3 लोब्स होते हैं, यानी कुछ इस तरह से होगा वो. लाइक दिस. सो ये एस शेप्ड है और 2-3 लोब्स हैं. ऑलराइट. So they are amoeboid shape, और इनका nucleus कैसा है, nucleus S shaped. ये सब shapes आपको याद होने चाहिए student, इन सब पे questions पूछे जाते हैं.
with 2 to 3 lobes. These are the lobes, all right? 1, 2, 3, 2 to 3. अब ये जो मास सेल्स होते हैं, ये इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, और ये अगर आप इसमें मिथिलीन ब्लू एक बेसिक डाई डालें तो ये सेल्स जो हैं ये कलर देते हैं. सो दे कैन बी स्टेन्ड विद अ बेसिक डाई. दे आर बेसिकली लाइक बेसोफिल्स ऑफ ब्लड. सो दीज आर कॉल्ड, दे आर नोन एज बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स. फिलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लविंग. फाइल मीन्स लविंग, और ये बेसिक डाई से रिएक्शन शो कर रहे हैं. सो दे आर बेसिक डाई लविंग, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स. सो लेट अस राइट डाउन दैट दे हैव बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स. बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स एंड कैन स्टेन विथ, यानी ये कलर देते हैं विथ बेसिक डाई. और मेन बेसिक डाई कौन सी होती है? मिथिलीन ब्लू. तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन यू फाइंड देम स्टेन्ड विथ मिथिलीन ब्लू. द आंसर विल बी मास्ट सेल्स, मिथिलीन ब्लू. नाउ मेन जो मैट्रिक्स बन रहा था प्रोटीन फाइबर्स, वो तो कौन बना रहे थे? फाइब्रोब्लास्ट. बट दे ऑल्सो प्रोड्यूस और सिक्रीट मैट्रिक्स. पर मेन नहीं है, चीफ नहीं है. चीफ तो कौन से थे? जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट थे. नाउ मास सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन तीनों पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका फंक्शन भी पूछा जाता है. सो लेट अस राइट डाउन दैट दे सिक्रीट फॉलोइंग 3 सब्सटेंसेस. ये मास सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम देखते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द मास सेल्स. मास्ट सेल्स सिक्रीट्स. नाउ दे सिक्रीट 3 सब्सटेंसेस. 1, 2 एंड द थर्ड वन. एक तो स्टूडेंट ये सिक्रीट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस विच इज कॉल्ड हिस्टामिन. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हिस्टामिन इज सिक्रीटेड बाय. आंसर इज मास सेल्स. या मास सेल सिक्रीट, और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा. हिस्टामिन जो होता है ये एक प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, और ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, यानी उन्हें रिलैक्स कर देता है. तो जो इतनी ब्लड वेसल है वो ऐसे हो जाएगी. क्या रोल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? सपोज करिए कहीं पर कोई इन्फेक्शन हुआ, कहीं पे चोट लगी, कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि फटाफट ब्लड की सप्लाई बढ़े ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचे सबसे पहले, क्योंकि सेल्स डैमेज हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन देना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग शुरू हुई है तो हमारे प्लेटलेट्स फटाफट वहाँ पहुँच के और क्लॉटिंग शुरू करें. प्लस हम चाहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे WBCs वहाँ पहुँचे, जो हमारे फाइटर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो पहुँच के और उस इन्फेक्शन को फाइट आउट करें. यानी हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिए में जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़े. वो ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ेगी? ये हिस्टामिन जो होता है वो जैसे इंजरी होती है वेसल्स को डायलेट करके और ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है. सो नंबर वन पॉइंट दैट इट इज़ एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, फर्स्ट पॉइंट. नाउ very very important, this is very important that it is a vasodilator. That means it will dilate the vessels, that is increase blood circulation or blood supply in affected area. यही वो काम करता है vessels को dilate करने का. अब जब ब्लड सप्लाई वहाँ की बढ़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि RBC पहुँच रहे हैं, ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है, तो वो एरिया में क्या हो जाएगा? रेडनेस हो जाएगी, थोड़ा सा लाल हो जाएगा वो. प्लस ब्लड बहुत सारा वहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी.
क्योंकि इतना क्वांटिटी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो थोड़ी सी गर्मी हीट जनरेट करेगा, तो वो हिस्सा थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, पार्ट थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी भी चोट लगती है, कोई स्वेलिंग आती है हमारे, तो स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, और वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप उसे हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा वार्म भी मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है दैट इट स्टार्ट्स इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। और ये क्या हेल्प करते हैं स्टूडेंट, एक और बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, ब्लड को तो वहां पहुंचा देते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, जो ब्लड कैपिलरी के अंदर WBC है, RBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, WBC भी है, पर ये हेल्प करते हैं कि फटाफट वो WBC उन कैपिलरी की दीवार से, वॉल से बाहर निकले और फ्लूइड में आ जाएं, जो सेल्स के बीच का फ्लूइड है, क्योंकि वहीं पर इंफेक्शन है, वहीं पर पैथोजन है जिसे हमें किल करना है, वहीं पर इंजरी हुई है। So it helps in oozing out of WBC from capillaries into intercellular substance, and this process is known as diapedesis. So they help in diapedesis. Students, ये पूरा ही बहुत important है, मैं बार बार repeat कर रही हूँ, इस पर direct questions पूछे जाते हैं। They help in diapedesis. And what is diapedesis? That is oozing, बाहर निकलना, oozing out of WBC from blood capillaries into extracellular fluid, बाहर की तरफ निकलना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या फ्लूइड में बाहर आना, दैट इज कॉल्ड एज डायपेसिस। तो मेनली जब भी इंजरी है, इन्फेक्शन है, तो हिस्टामिन जो है वो फटाफट से ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, उस जगह पे ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करेगा, और फिर वहां पे WBCs को फटाफट ब्लड से बाहर भेजेगा ताकि वो सब जगह पे जाके और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, एंड दिस इज सिक्रीटेड बाय द मास्ट सेल्स। नाउ द सेकेंड सब्सटेंस सिक्रीटेड इज कॉल्ड सीरोटोनिन। नाउ व्हाट इज सीरोटोनिन? ये भी अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एक प्रोटीन की तरह ही है ये भी, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये इसका उल्टा काम करता है, ये वैसो डायलेटर है, एंड दिस इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बैलेंस में काम करते हैं। अगर सारा ब्लड फ्लो वहां चला गया तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, प्लस वहां पे तो स्वेलिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इंफेक्शन कंट्रोल हुआ, अब सीरोटोनिन रिलीज करते हैं मास सेल्स, और वो उन डायलेटेड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, यानी नॉर्मल ले आते हैं। सो दे हेल्प इन वैसो कंस्ट्रिक्शन, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। अब जब वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई, डायलेटेड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया तो वो नॉर्मल आ गई, पर अगर हमने इसे और कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो और नैरो हो गई। तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था, अब ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। सो दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर और BP। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द थर्ड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस व्हिच इज सिक्रीटेड बाय मास सेल्स, एंड दैट इज द हिपेरिन। हिपेरिन स्टूडेंट्स हमने एक जगह पढ़ा था जब हमने म्यूकोपॉलीसेक्राइड शुगर पढ़ी थी, क्योंकि ये एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड शुगर ही होता है। सो दिस इज अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, इट्स अ शुगर। जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन है वो प्रोटीन्स हैं, दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, वेयर एज हिपेरिन इज अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ये भी मास सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, इट इज अ, पहले लिख लेते हैं, इट इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट ऑफ ब्लड, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। इस पे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? हमारा ब्लड जो है, आप जानते हैं, जब भी इंजरी होती है तो ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए।
अगर ऐसा है तो जब इंजरी नहीं है तब भी तो हमारे ब्लड को क्या हो जाना चाहिए, क्लॉट हो जाना चाहिए। तो फिर हमारा ब्लड जो है वो तो लिक्विड स्टेट में रह ही नहीं पाएगा, क्लॉट हो जाएगा तो वो तो सॉलिड हो जाना चाहिए था। बट नेचर ने इन मास सेल्स के थ्रू ये हिपैरिन सब्सटेंस प्रोड्यूस कराया है, ये ब्लड को लिक्विड स्टेट में मेंटेन करके रखता है। इट ऑपोजिस द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, सो इट इज एन एंटी कोएगुलेंट एंड इट इज अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी नेचुरली, सो इट इज अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट ऑफ ब्लड। सो दीज आर द थ्री सब्सटेंसेज विच आर सिक्रीटेड बाई मास सेल्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड लर्न प्रॉपरली। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी फ्यू मोर काइंड ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। हमने तीन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं, फाइब्रोब्लास्ट विच आर चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग, मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स विच आर द मेन फैगोसिटिक सेल्स। हर टिश्यू को फैगोसाइट्स की ज़रूरत है ताकि उसका खुद का प्रोटेक्शन हो सके, एंड द मास सेल्स विच आर सिक्रीटिंग दीज सब्सटेंसेज। नाउ लेट अस रीड फ्यू मोर सेल्स, प्लीज नोट इट डाउन। So now let's read students quickly some more kinds of cells which are present in the connective tissue, and it is the adipocytes. एडिपोज वर्ड फैट के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे सेल्स हैं जो फैट को स्टोर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो कि इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी और हमारे बॉडी से एक्सेसिव हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। इट विल हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये जो एडिपोसाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे वही मॉडिफाई होकर ये बनाते हैं। सो व्हाट आर दे आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट विच स्टोर्स फैट। मेन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, फैट स्टोरिंग सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। एंड व्हाट आर एडिपोसाइट्स? दे आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट। कैसा सेल होता है ये स्टूडेंट? ओवल शेप का सेल होगा, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट भी कैसा है? ओवल है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप। द नेक्स्ट टाइप आर द लिम्फोसाइट्स। हम जानते हैं हमारे ब्लड में भी मिलते हैं लिम्फोसाइट्स, कनेक्टिव टिश्यू में भी मिलते हैं, और ये हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके और डिफेंस का काम करेंगे। सो दे आर द डिफेंस सेल्स। दे आर लाइक दिस, दे आर अमीबॉइड शेप, सो आई विल मेक देम लाइक दिस, ऑलराइट। और इनमें एक बड़ा सा ओवल न्यूक्लियस होता है, so they are amoeboid with oval nucleus। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसे दोबारा बना लेते हैं। they are amoeboid with big oval nucleus like this। now let us see one more type, and they are called plasma cells. Now they are very important. इसपे बहुत question पूछा जाता है students. Plasma cells actually क्या है? जैसे कि fibroblasts modify होके adipocytes बनाते हैं, ऐसे ही lymphocytes मॉडिफाई होके प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो इनका फंक्शन भी क्या होगा? डिफेंस ही होगा। और ये क्या काम करेंगे? मेनली दे विल ऑल्सो सिक्रीट एंटीबॉडीज। सो दे आर मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब, मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? सिक्रीशन एंड transportation of antibodies। direct question आता है students, lymphocytes भी बनाते हैं but particularly कौन बनाते हैं? plasma cells बनाते हैं। lymphocytes तो और तरीके से भी कर सकते हैं defense, जैसे lymphocytes क्या कर सकते हैं? they can directly engulf the cell also, बट जो प्लाज्मा सेल है वो हमेशा पहले एंटीबॉडीज ही बनाएंगे और फिर वो डिफेंस करते हैं।
ये डायरेक्ट डिफेंस और एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस में क्या अंतर है ये हम बाद में पढ़ेंगे. सो दे सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज. नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है स्टूडेंट्स कई बार, दैट दे आर नोन एज कार्टव्हील सेल्स. कार्टव्हील सेल्स क्यों, व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो अमीबॉइड लाइक लिम्फोसाइट्स, बट इनमें जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस राउंड है और इस न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन है अंदर, वो ऐसा लगता है जैसे कि स्पोक्स ऑफ व्हील हो. सो देयर न्यूक्लियस इज कार्ट व्हील शेप्ड. ऑलराइट, सो व्हाई दे आर कॉल्ड कार्ट व्हील शेप, बिकॉज क्रोमैटिन इज अरेंज्ड लाइक स्पोक्स ऑफ व्हील इन न्यूक्लियस. ऑलराइट, इज इट क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा सेल्स विच आर द मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, मेन फंक्शन इज द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड दे आर कॉल्ड कार्टव्हील सेल्स बिकॉज द क्रोमैटिन इज अरेंज जस्ट लाइक द स्पोक्स ऑफ व्हील इन द न्यूक्लियस. इन्हें स्टूडेंट्स दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. क्लोन्स का मतलब बिल्कुल लिम्फोसाइट जैसा ही, क्योंकि इनका फंक्शन है ये लिम्फोसाइट के डिविजन से ही बनते हैं. एक्चुअली एग्जैक्टली क्लोन्स नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली भी बैक्टीरिया जर्म्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्लस एंटीबॉडीज के थ्रू भी करते हैं, जबकि प्लाज्मा सेल्स सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करते हैं. नाउ लेट अस सी सम मोर टाइप्स, दैट इज द लेट अस से पिगमेंटेड सेल्स. पिगमेंटेड सेल्स और क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स और मिलानोसाइट्स. कुछ कनेक्टिव टिश्यू में जहां पे कोई कलर की जरूरत है, जैसे हमारी स्किन में डर्मिस है, आयरिस एंड कोरोइड है आई में, वहां पर ऐसे सेल्स मिलते हैं जिनमें पिगमेंट भरा होता है और ये क्योंकि कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर के लिए क्रोमा वर्ड यूज होता है, सो दे आर क्रोमैटोफोर्स. और ये पिगमेंट मेनली मेलेनिन पिगमेंट होता है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिलानोसाइट्स. सो दे कंटेन्स मिलानिन पिगमेंट. ये कहाँ मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम. एग्जाम्पल इज आयरिस एंड कोरोइड ऑफ आई. ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आई पढ़ेंगे. देन स्किन डर्मिस, जिसके कारण अलग अलग कॉम्प्लेक्शन होता है, कोई डार्क स्किन, किसी की उतनी डार्क नहीं होती, जितना मेलेनिन होगा उतनी ज़्यादा डार्क स्किन होगी. नाउ लेट अस सी वन मोर काइंड ऑफ सेल्स एंड दैट इज द रेटिक्यूलर सेल्स. रेटिक्यूलर सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में मिलेंगे जिनमें इनके साथ रेटिक्यूलिन फाइबर्स मिलेंगे. हमने पढ़ा था जो रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं. सो दे आर फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स. और लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इनमें मिलते हैं जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं. और रेटिकुलर प्रोटीन फाइबर्स के साथ मिलकर ये इन ऑर्गन्स का टिश्यू बनाते हैं. इट्स अ स्पेशल टिश्यू, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस करना. वो जाल बनाएंगे ये सेल्स होते हैं ताकि लिम्फ प्रोड्यूस हो और सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं वो एंट्रैप हो जाएं उसके अंदर. सो दे आर अगेन फैगोसाइटिक इन नेचर लाइक द मैक्रोफेजेस, बट दे आर पर्टिकुलरली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स. एंड नाउ लेट अस सी द लास्ट टाइप एंड दैट इज द मेसेनकाइमल सेल्स. मेसेनकाइमल सेल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियो में मिलने वाले वो सेल्स हैं जो डेवलप हो सकते हैं इन सभी सेल्स में. दे कैन फॉर्म फाइब्रोब्लास्ट विच आर द चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, दे कैन फॉर्म मैक्रोफेजेस विच आर द फैगोसाइटिक सेल्स, दे कैन फॉर्म मास सेल्स, दे कैन फॉर्म प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. सो दे आर द एम्ब्रियोनल सेल्स which gets
modified into different cells of connective tissue. ये जो जितने भी हमने पढ़े इसके अलावा वो सब इसी से बने हैं कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक लाइफ में. और एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो ये कन्वर्ट हो गया दूसरे टाइप के सेल्स में, बट बर्थ के बाद भी ये हमारे बॉडी में इस तरह के सेल्स मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं वो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है. स्टूडेंट्स, जो हमारी आई में विट्रस ह्यूमर होता है उसके अंदर इस तरह के सेल्स बर्थ के बाद भी प्रेजेंट रहते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई. एक और एग्जाम्पल है इसका, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू बेबी मदर से जुड़ा रहता है, जो बर्थ के बाद डॉक्टर्स कट करते हैं, उसके अंदर एक जेली रहती है, वॉटन्स जेली, उसमें भी ये सेल्स मिलते हैं. इसीलिए आजकल उस अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है ताकि अगर उस फैमिली में किसी को कोई डिजीज है तो वो जो उसके अंदर मेसेनकाइमल सेल्स हैं इनसे फिर वो पर्टिकुलर सेल्स बना लिए जाते हैं जिसकी वो डिजीज है उसके सिबलिंग में या कोई रिलेटिव में. इसे स्टेम सेल बोलते हैं, हम लोग इसे 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ सेल्स. सो इट इज आल्सो फाउंड इन वॉर्टन्स जेली ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टूडेंट, अगर आपने कभी मुर्गा देखा हो तो मुर्गे की जो कलगी होती है, मुर्गी की नहीं, मुर्गे की जो कलगी होती है उसमें भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द कूम्ब ऑफ कॉक. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच वी आर रीडिंग, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट वाइड स्प्रेड, कॉन्स्टिट्यूट्स 30% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. ये इसमें एक मैट्रिक्स है जो ग्राउंड सब्सटेंस का बना है और उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं प्रोटीन के. दे कैन बी रिजिड कोलाजिन फाइबर्स, दे कैन बी फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर्स, एंड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स देर कैन बी रेटिकुलिन फाइबर्स जो जाल जैसा बनाएंगे, नेट जैसा बनाएंगे. इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं विच में बी फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास सेल्स, एडिपोसाइट्स इफ इट दे आर स्टोरिंग फैट्स, देन प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, अगर पिगमेंट है तो पिगमेंटेड सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स एंड रेटिकुलिन सेल्स. इस तरह से आज की क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक्स को रीड किया. नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इनको आप अच्छे से लर्न करके आइएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्ट आए और आप उसे अच्छे से समझ सकें. टिल देन अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.